देखिए क्वेश्चन सुनने लगे हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करने लगे कि एक तुम्हारे पास यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, विच इज हिंज्ड एट द टॉपमोस्ट पॉइंट is released from a position where it makes an angle theta with the vertical as shown. Then find the acceleration of tip of rod just after it is released. जब उसको release किया, ठीक है, ऐसे ये रॉड है और इसको तुमने थीटा एंगल पे रखा और इसका मास नो डाउट mg है और इसका लेंथ l है। ऑब्वियस ही बात है, ये ऐसे रोटेट करेगी, ऑब्वियसली बात है, ऐसे रोटेट करेगी। तो मैं तुम्हें थीटा एंगल पे बताना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी। बहुत सिंपल है, तुम क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना आएगा, सिर्फ एक एम जी इंटू एल बाय टू साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, क्योंकि तो ये ऐसे करके था बेटे, ये एंगल थीटा था, ये इसका सेंटर था, यहां से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये तुम्हारे पास कितना है l बाय टू, ये तुम्हारे पास कितना आ गया l बाय टू साइन थीटा, टॉर्क आ गया mg इंटू l बाय टू साइन थीटा। और अल्फा क्या होता है बेटा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क आ गया एम जी एल बाय टू साइन थीटा। और तुम्हें पता है ना रॉड जो है वो अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड रोटेट कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटे, एम एल स्क्वायर बाय थ्री। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय थ्री। कॉमन टर्म्स कट जाएंगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी तुम्हारे पास 3g by 2l sin theta। और तुम्हें बोला गया टिप का एक्सेलरेशन बताओ, तो वो इधर को आएगा और वो एक्सेलरेशन कितना आता है तुम्हें पता ही है, एल अल्फा एल एल कट गए 3 by 2 g sin theta इज द एक्सेलरेशन ऑफ द टिप, जो टिप का एक्सेलरेशन। ओके,
ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है तुम्हें ऐसे दिया गया कि ये कोई सिलेंडर है ऐसे, ये कोई सिलेंडर है ऐसे और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये एक्सिस आ गया, और इसके ऊपर वेट लग रहा है एमजी, इसके ऊपर वेट लग रहा है एमजी, और तुम्हें ये बोला गया कि अब ये सिलेंडर जो है तुम्हें पता है रोटेट करता करता नीचे को आएगा, ठीक है। तुम्हें ये बोला गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन है ना, ऐसे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तुम्हें ये क्वेश्चन बोला गया, तुम्हें ये क्वेश्चन बोला गया, बहुत सिंपल है। तुम्हें पता है यहां पे टेंशन टी लगेगा ऊपर, तुम्हें पता है ये नीचे को आएगा, जब ये नीचे को आएगा एक्सेलरेशन ए आएगा, और ये ऐसे रोटेट भी कर रहा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, और नो डाउट तुम्हें इस क्वेश्चन में यह भी दिया होगा थ्रेड इज नॉट स्लिपिंग, तुम्हें बताया ये थ्रेड इज नॉट स्लिपिंग का मतलब कि जहां पे भी थ्रेड इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा उन दोनों की एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये रोल कर रहा है, ये रोलिंग डाउन है, रोलिंग डाउन है, तो मतलब तुम्हारे पास इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहे। ट्रांसलेशन के लिए तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि सर इसके ऊपर एमजी तो नीचे को लग रहा है वेट, पर क्योंकि इसको दो थ्रेड्स लगाए हुए हैं तो दो टेंशन्स लगेंगे इसके ऊपर टू टी, और ये नीचे को ए सी के साथ आएगा नीचे, है ना, सेंटर ऑफ मास। इसका इक्वेशन क्या बन गया बेटा, एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू एम ए सी, इक्वेशन नंबर वन आ गई। अब दूसरा बात यह है रोटेशन के बारे में, ये हमने ट्रांसलेशन तो कर ही लिया। अच्छा एक चीज और देखो, इसको तुमने यहां पे बांधा, अब ये तो ऑलरेडी तुम्हारे पास रेस्ट पे है, ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट्स इसके रेस्ट पे हैं। इट मींस जब तुम यहां से देख रहे हो तो तुम ये देख पा रहे हो कि ये जो सर्कल है इसके हिसाब से तुम्हारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे को आ रही है, और आर अल्फा ऊपर को होगा और ये पॉइंट जीरो पे होगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो तुम्हारे पास इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास आ गया रोटेशन, कुछ ऐसा करके आ गया ना डायग्राम, ये भी पॉइंट नीचे को आ रहा है, ये भी पॉइंट नीचे को आ रहा है, पर ये सॉरी ये पॉइंट रेस्ट पे है, ये जो पॉइंट नीचे को आ रहा है ए सी के साथ, और जब ये रोटेशन कर रहा है तो इसके ऊपर को एक्सेलरेशन मिलेगा आर अल्फा, और ये किसके बराबर, जीरो।
फिर रोटेशन के बारे में बात करोगे तो तुम बोलोगे सर इस पे टॉर्क लगेगा, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक एम जी और एक टू डी, और अबाउट सेंटर ऑफ मास एम जी के कारण टॉर्क नहीं आएगा, ये जीरो होगा। और सिर्फ टॉर्क 2D के कारण आएगा, तुम बोलोगे 2T और ये डिस्टेंस कितना बढ़े R इज इक्वल टू I अल्फा, अल्फा तो बताइए सिलेंडर है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एमआर स्क्वायर और साथ में अल्फा आ गया। यहां से तुम्हारे पास टूटी का वैल्यू हाफ एमआर अल्फा ये आ गया। आर अल्फा का वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, एसी इक्वेशन नंबर ये बन गया 2t इज इक्वल टू एम ए सी बाय टू, ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर दो 1 और 2 ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों एम जी कितना आ गया 3 एम ए सी बाय टू, एम और एम गया, ए सी का वैल्यू 2g/3 एंड 2t का वैल्यू एम ए सी बाय टू था, यहां से टी कितना आ गया एम बाय 4 × 2/3g बोले तो एम जी बाय 6, ये टेंशन आ गया और तुम्हारे पास यहां पे ये एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर हो गया ना। बच्चों क्लियर हो गया ना, ये आ गया, मतलब बहुत सिंपल था। तुम्हारे पास ऐसे एक सिलेंडर था और यहां पे बेटा दो थ्रेड्स ऐसे ऐसे बांधे थे जिसके कारण ये अनवाइंड होके नीचे को आ रहा है, तो बोला गया टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। ओके अभी और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास ना एक ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है और तुमने यहां पे एक डिस्क को रखा जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तूने इसको ड्रॉप कर दिया ऐसे, ये डिस्क ऐसे घूमता रहेगा और फाइनली स्टॉप हो जाएगा घूमते घूमते, और जब ये रोटेट कर रहा होगा ऐसे इसके ऊपर तो ऑब्वियसली बात है इस पे फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लगेगा और ये इसको स्टॉप कर देगा, तो तुम्हें टाइम निकालना है, फाइंड टाइम व्हेन इट विल स्टॉप, फाइंड टाइम व्हेन दिस डिस्क विल स्टॉप रोटेटिंग। तुम्हें टाइम निकालना है व्हेन दिस डिस्क विल स्टॉप रोटेटिंग, ये भी स्टॉप कर देगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे सुनो।
तुम डिस्क को ऐसे समझ लो, ये तुम्हारे पास एक डिस्क है। और तुम्हें पता है कोई भी क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में करते हैं तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं, तो तुम सबसे पहले ये एलिमेंट लोगे, ये एलिमेंट जिसका रेडियस आर, क्योंकि कैपिटल आर तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द डिस्क है, समझ पा रहे हो ना, मतलब इसके ऊपर ये एलिमेंट ऐसे करके रोटेट कर रहा है। मान लो तुमने इसको रोटेशन ऐसे दिया है एलिमेंट को, इस पे फ्रिक्शन किधर को लगेगा, पीछे को लगेगा, समझ गए बच्चों, फ्रिक्शन इस पे पीछे को लगेगा क्योंकि तुम इसको रोटेट ऐसे कर रहे हो, फ्रिक्शन पीछे को लगेगा हर जगह पे ऐसे। तुम्हें करना कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें याद है तुम पढ़ते थे b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो चाहिए, यहां से u का वैल्यू माइनस ए टी आ गया या रिटार्डेशन आ गया, तो तुम्हें t निकालना था u बाई ए, ये तुम उसमें करते थे, पर अब यहाँ पे u की जगह ओमेगा और a की जगह अल्फा, तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे अल्फा ढूंढना है, लॉजिक समझ गए ना, यहाँ अल्फा ढूंढना है कि अल्फा क्या है। अब अल्फा को ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले एलिमेंट ले लोगे, तुम्हें बताया, अब इस एलिमेंट का मास भी लोगे सब कुछ, ठीक है, मास कितना आएगा, डीएम आएगा, तुम्हें बताया हुआ ना सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो डिस्क होता है वो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसका वैल्यू होता है मास बाय एरिया, और एलिमेंट का एरिया कितना बच्चों, 2πr दिया, ये तुमने मास निकाला। अब ये एलिमेंट जो है, सुनना मेरी बात, ये जो एलिमेंट तुमने बनाया सरफेस के ऊपर, तो ये एलिमेंट अपना वेट भी तो लगा रहा है ना नीचे को, वेट भी तो लगा रहा है, कितना वेट लगा रहा है, dmg, कितना वेट लगा रहा है, dmg, सो फ्रिक्शन जो आएगी एलिमेंट पे जो फ्रिक्शन आएगी बेटा ऑन द एलिमेंट वो डीएफ आएगी, और तुम्हें पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन एन क्या होता है, नॉर्मल एक्शन, यहां पे नॉर्मल एक्शन डीएमजी है, यहां पे नॉर्मल एक्शन क्या है, डीएमजी, याद है ना एक बॉडी रखते थे जिसका मास एम था सरफेस पे, नॉर्मल एक्शन ऊपर लगता था और एम जी नीचे को लगता था, अभी अगर तुम इसका मास डीएम कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, डीएमजी, डिफ्रेक्शन आ गया बेटा। नाउ टॉर्क, नाउ रिटार्डिंग टॉर्क ऑन, नाउ रिटार्डिंग टॉर्क ऑन एलिमेंट, तुम लिखोगे डी टॉर्क, कितना आएगा, इसका रेडियस कितना है r, फ्रिक्शन कितना है डीएफ, रिटार्डिंग टॉर्क कितना आ गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब म्यू डीएमजी इनटू आर, मतलब डीएम का वैल्यू पुट करो कितना, ये पाई और पाई गया, वैल्यू पुट कर दो, म्यू एम बाय आर स्क्वायर टू आर डी आर इनटू आर इंटू जी, म्यू का वैल्यू पुट कर दिया, ये डीएम का वैल्यू पुट किया तूने, ये जी आ गया, ये आर आ गया, डी टाउ तूने निकाल दिया बेटा, कितना आ गया डी टाउ, कॉन्स्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर दो, टू म्यू एम बाय आर स्क्वायर इंटू जी इंटू आर स्क्वायर डी आर, अब इंटीग्रेट कर दो टोटल टॉर्क के लिए, ये टाउ आ गया, और ये कितना आ गया बेटा, टू म्यू एम जी बाय आर स्क्वायर, और ये जीरो से आर तक इंटीग्रेशन आएगी जो कि आर क्यूब बाय थ्री आएगी बेटा, यहां से बेटे
टॉर्क का वैल्यू 2μmgr आ जाएगा बाय 3। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है, ऊपर आर क्यूब कट जाएगा, आर रह गया। सो टोटल टॉर्क निकाल लिया, तो अल्फा कितना आया? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क तूने निकाल दिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तूने कितना निकाला? हाफ एम आर स्क्वायर। और यहां से अल्फा की वैल्यू 4μgr आ गई, अल्फा की वैल्यू। सो नाउ ओमेगा क्या होता है? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी। अब फाइनल वेलोसिटी तुम्हें जीरो दे रखी है, ओमेगा नॉट का नाम तुम्हें ओमेगा दे रखा है, और ये ऑलरेडी रिटार्डेशन है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब जीरो इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 4μg बाय आर इंटू टी। यहां से तेरे को टी निकालना है, बस कहानी खत्म यार, क्या दिक्कत है ना। कितना आ गया? 3ωr बाय 4μg। ये छोटा सा आंसर आ गया।
हमें एक जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिलेंडर है माउंटेड ऑन सम माउंट है ना, सिलेंडर से ये स्ट्रिंग बांधा, उसको पुली के थ्रू पास कराया और यहां से एक मास हैंग कर रहा है जो कि इसका मास कैपिटल एम है और ये इधर को जा रहा है। ऑब्वियसली ये सारा सिस्टम इधर को जाएगा और ये सारा सिस्टम नीचे को आएगा, ऑब्वियसली बात है। अब तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझना है और एग्जीक्यूट करना है, पर करना कैसे है ये देखो, बहुत सिंपल सुनो। तुम क्या करोगे, एमजी लगा रहे हो नीचे को, ये तो नीचे को लगेगा, यहां पे टेंशन लगेगा ऊपर और यहां पे टेंशन लगेगा नीचे, एक स्ट्रिंग के अंदर होती है ना टेंशन, यहां पे ये टेंशन लगेगा इधर और यहां पे ये टेंशन लगेगा इधर, ये तुम्हें पता ही है। ये वाली टेंशन इसके लिए, ये वाली टेंशन इसके लिए, ये वाली टेंशन इसके लिए, ये वाली टेंशन इसके लिए। अब मान लो ये नीचे को आ रहा है, इसकी एक्सेलेरेशन का नाम, इसका नाम तुम बी रख दो तो बढ़िया रहेगा, ए बी है, इसकी एक्सेलेरेशन है ए बी की। अब तुम सिर्फ और सिर्फ पहले इस पे फोकस करोगे तो तुम लिखोगे एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी, जल्दी जल्दी से बना लोगे, टी लगा ऊपर, कैपिटल एम जी लगा नीचे और ए बी लगा नीचे, कितना आया एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए बी, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए बी, ये रिजल्ट आएगा। mg minus t is equal to m times ab, mg minus t is equal to m times ab, ये abd of the block b आ गया। अब देखो करना क्या है, अब इसके बाद तुम बात करोगे इसके सिलेंडर की, माउंटेड सिलेंडर। अब हम लोग बनाते हैं एफ बी डी ऑफ माउंटेड सिलेंडर, माउंटेड सिलेंडर का एफ बी डी बनाते हैं, कैसे आएगा कैसे। अब एफ बी डी बना रहे हैं, ये आ गया, ये आ गया मास, और ये आ गया सिलेंडर, यहां पे आप फोर्स लगा रहे, ये टेंशन आ रहा है टी। सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर तुम्हें चीजें बहुत बढ़िया लगेंगी, क्लियर भी होगी। जब तुम ये देख पा रहे हो, जब तुम इधर को फोर्स लगा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है ये बेटा सिलेंडर ऐसे रोटेट करेगा अल्फा के साथ, ये सिलेंडर रोटेट करेगा अल्फा के साथ। पर ये भी बात पक्की है कि जब तुम सिलेंडर पे इधर को फोर्स लगाओगे तो सिलेंडर आगे को भी जाएगा ए ए एक्सेलरेशन के साथ, मतलब जो टी टेंशन है वो क्या कर रहा है, टी टेंशन दोनों काम कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है, रोटेशन के कारण अल्फा आ रहा है, ट्रांसलेशन के कारण ए एक्सेलरेशन आ रहा है। जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसमें एक चीज ये है कि ये स्ट्रिंग जो था, देखो ये स्ट्रिंग तो यही वाला है ना जो इसके ऊपर यहां पे जुड़ा हुआ है। अब ये वाला स्ट्रिंग नीचे को ए बी के साथ आ रहा है, मतलब ये वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन इधर को ए बी है, और तुम अभी बना चुके हो कि अगर ये एक्सेलेरेशन ए बी है, ये अल्फा के साथ ऐसे घूम रहा है और ए बी इधर है, तो तुम्हें बताया था ना मैंने, जब कोई बॉडी आगे को जाए
और ऐसे रोटेट करती है जब कोई बॉडी आगे को जाए और ऐसे रोटेट करती है, इस पॉइंट पे जो नेट एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है? एक जो ये वाला एक्सेलरेशन था ए ए प्लस अल्फा के कारण, ए ए प्लस आर अल्फा, ए ए प्लस आर अल्फा। ए प्लस आर अल्फा। इस तरह से जब तुम देख पा रहे हो इस सर्कल में, इस पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन आ गई ए ए प्लस आर अल्फा, और ये वाला जो थ्रेड जुड़ा था इसकी एक्सेलरेशन थी ए बी। ये रिलेशन बन गया फॉर नो स्लिपिंग, ए बी इज इक्वल टू ए ए प्लस आर अल्फा, ए प्लस आर अल्फा। ये बन गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। एक तो ने ये इक्वेशन बना दी और एक तो ने ये इक्वेशन बना दी नो स्लिपिंग वाली कंडीशन। ये तो हमेशा बनती है, याद रखो। अब तुमने बोला था अभी तुम्हारे पास रोटेशन और ट्रांसलेशन इस केस में दोनों हो रहे हैं, तो तुम अब सिलेंडर के लिए रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों लिखोगे। अब तुम ये देख पा रहे हो सिलेंडर की ट्रांसलेशन में फोर्स तो तुम टी लगा रहे हो, मास इसका एम है और एक्सेलरेशन इसकी कितनी है ए ए, ये टी आ गया एम ए ए। और रोटेशन के बारे में बात कर रहे हो तो रोटेशन में तुम देख पा रहे हो तुमने फोर्स यहां पे लगाया था और ये ऐसे रोटेट किया, सिंपल आ गया टेंशन लगा टी, रेडियस है आर, टी आर लगा टॉर्क। और सिलेंडर का तुम लिख ही रहे होगी ऑलरेडी सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटे वो एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा। यहां से टी का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया, कितना आ गया टी का वैल्यू? टी का वैल्यू आ गया हाफ एम आर अल्फा या एम या एम ए ए बाय टू, ये टी का वैल्यू आ गया। नहीं सॉरी, ये आर ऑफ आई आएगा तो इसके बराबर नहीं है ना, ये आ गया हाफ एम आर अल्फा, हाफ एम आर अल्फा। यहां से इनका कंपैरिजन करो, हमारे पास ए ए का वैल्यू आर अल्फा बाय टू आर है। फाइनली तुम्हारे पास कौन कौन सी इक्वेशन बन गई? नौ, एक तो पहले वाली इक्वेशन बन गई एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए बी, एक इक्वेशन बन गई ए बी इज इक्वल टू ए ए प्लस आर अल्फा, क्योंकि इस कंडीशन का नाम नो स्लिपिंग कंडीशन होता है। और अभी तूने ए ए का वैल्यू आर अल्फा बाय टू निकाला, यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे ए बी का वैल्यू टू ए आ गया थ्री ए, ए बी का वैल्यू थ्री ए आ गया। ठीक है ना, अब टी का वैल्यू भी तुमने एम ए निकाला हुआ है, यहां पे वैल्यू स्पोर्ट कर दो,
इसमें पुट कर दो वैल्यूज कितना आया, mg माइनस टी, टी का वैल्यू एम ए इक्वल टू ए बी का वैल्यू 3AA, अरे यहां मैं गलती कर दी, मैंने 3/2 आना था, आर 5 2A, ए का वैल्यू आर अल्फा बाय टू है ना, तो 3/2 ए आना चाहिए। ये गलती कर दी बेटा, ये थोड़ा चेंज कर लेना, ए बी का वैल्यू 3A/2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया एम इंटू बस ठीक है बेटा। ये देखो ना, ए का वैल्यू आर अल्फा बाय टू है, ए का वैल्यू आर अल्फा बाय टू है, अब ये ए का वैल्यू आर अल्फा बाय टू इसमें पुट किया ना तूने, आर अल्फा बाय टू प्लस आर अल्फा कितना है 3/2 आर अल्फा, जी बाय टू आर, ये रिजल्ट आ गया, वही जो हमने इधर किया एम जी माइनस टी एम ए बी, ए का वैल्यू या आर अल्फा का वैल्यू तुम पुट कर दो सीधा, जैसे मैंने बोला 2AA के बराबर, ए प्लस 2A कितना आ गया 3A, अब ये ए बी का वैल्यू इसमें पुट करो और यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करो, मैंने तुम्हें बताया क्वेश्चन के अंदर एम और एम दोनों इक्वल हैं, तो ये तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है।